अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रज़ा एंड वेलकम टू जी स्टूडियो ऑफिशियल। काफ़ी देर से मैं जिस डिवाइस का वेट कर रहा था अपने व्यूवर्स के लिए, उसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँ और फर्स्ट इम्प्रेशंस और उसका ओवरव्यू मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँ, तो फाइनली हमारे पास वो डिवाइस स्टूडियो में रिसीव हो गई है और उस डिवाइस का नाम है पोको X3 विद NFC। सो फटाफट इस सेलफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके फर्स्ट इम्प्रेशन और रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अ ह्यूज थैंक्स टू MI स्टोर ऑफिशियल शेहुपुरा जिन्होंने आज की ये वीडियो स्पॉन्सर किया। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। एंड अगर आप ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो इस स्टोर को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो जल्दी से चलते हैं अपने सेलफोन की अनबॉक्सिंग की तरफ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी हैंड फील लेने के लिए। सो इसका रैपर उतारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैपर उतारने के बाद हमें इसकी वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, और एक पैकिंग ऊपर थी और एक पैकिंग उसके बाद है। सेकंड पैकिंग को करते हैं और इसके ऊपर हमें सबसे पहले PTA की वेरिफिकेशन देखने को मिलती है कि PTA अप्रूव्ड है। सेकंड रैप को उतारते हैं हम, सेकेंड रैप को भी हमने उतार दिया है। नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स आवर सेलफोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिड देखने को मिलती है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। और एक हमें प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है। केस को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका कैमरा बम्प कैसा है। सो इसको साइड पे रखते हैं, अपना सेलफोन देखते हैं। सो ये है हमारा सेलफोन डिवाइस जिसका हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और इसके ऊपर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं, लाइक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G एंड 120Hz 6.67 इंचेस फुल HD+ डिस्प्ले, और ये इसका सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। इसमें 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमराज हैं, एंड सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका बैटरी है। बैटरी कैपेसिटी इसकी 5160 मिली एम्पायर की बैटरी है। सो अपने मोबाइल को टर्न ऑन करते हैं, जब तक ये ऑन होता है हम अपनी बॉक्स की बाकी देखते हैं। बॉक्स के नीचे हमें चार्जर देखने को मिलता है, और अगर चार्जर की एम्पियर रेटिंग के लिए हम देखें तो ये 27 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और चार्जिंग केबल की जो निशानी है इसके अंदर ऑरेंज कलर है, और चार्जर के अंदर भी हमें ये ऑरेंज कलर देखने को मिलता है जो इस चीज़ को कन्फर्म करती है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमें बॉक्स में और कुछ भी नहीं देखने को मिलता। नाउ अपने सेलफोन को हम सेटअप करते हैं, तो जल्दी से मैं सेलफोन को सेटअप कर लेता हूं और फिर बात करते हैं। सो फाइनली हमारा सेलफोन सेटअप हो चुका है। इसके ओवरव्यू की तरफ देखते हैं तो बॉटम में हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जो कि Type-C एंड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ में एक माइक देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल है, और जो 2019 में मिसिंग फीचर था वो था हेडफोन जैक। 3.5mm हेडफोन जैक वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। टॉप के ऊपर IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, साथ में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और बैक पे हमें हमारा इस तरह का क्वाड कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है। राइट साइड पे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ऊपर हमें अपने वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये इसका सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अगर हम अदर ब्रांड्स में देखें तो 2 लाख से प्लस के फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलता है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो डिस्प्ले के अंदर हमें एक कटआउट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हमारा कैमरा पंच होल है। अगर हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाएँ तो हमें ये आउट ऑफ द बॉक्स
MIUI वर्जन 12.0 देखने को मिलता है। और इसकी इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो ये 6GB रैम और 128GB के साथ मार्केट में अवेलेबल है। नाउ इसकी प्राइस की बात करते हैं। प्राइस ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है और एक बजट किलर प्राइस है। ये हमें 40 to 42,000 की रेंज में ये सेल फोन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पोको X3 NFC को अनबॉक्स किया और इसके फर्स्ट इंप्रेशन और ओवरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।